हेलो एवरीवन, आज मैं रबड़ी मालपुआ बनाने वाली हूँ जो गेहूं के आटे के साथ बनाऊंगी। और ये गेहूं के आटे के साथ बनता है पर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गेहूं के आटे के साथ बना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं चूल्हे को जला ली हूँ और इसमें एक मोटे तले का कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ पर मैंने 2 पैकेट दूध लिया है, जो एक पैकेट 500 ग्राम का है। तो मैं पूरा दूध यहाँ पर 1 लीटर ले रही हूँ और सभी को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद मैंने हाई फ्लेम कर दिया है जब तक कि एक उबाल ना आ जाए दूध में। तो इस तरीके से अब उबाल आ गया है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर अब इसे चलाते रहेंगे और मलाई किनारे किनारे जो चिपक रहा है उसे बीच बीच में हटाते रहेंगे और दूध में मिलाते रहेंगे। इस दूध को इतना पकाना है कि जब तक कि 1/4 दूध बच ना जाए तब तक इसे इसी तरीके से उबालते रहना है। और बीच बीच में जो मलाई चिपके उसे कलछी की सहायता से छुड़ाते हुए इसे रबड़ी में मिलाते जाना है। तो मैंने अब फ्लेम को कर दिया है बंद, क्योंकि अब 1/4 दूध बच चुका है, रबड़ी पूरी तरीके से बन चुका है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं इस रबड़ी को मालपुए बनाने के लिए, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा कर दी हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस रबड़ी को निकाल लिया है। एक ही बार मैं सारे को घोल बनाने के लिए यूज नहीं करूँगी, जब आवश्यकता पड़े तो मैं इस रबड़ी को फिर से यूज कर लूँगी। तो मैंने बचा हुआ कढ़ाई में जो रबड़ी है उसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है 200 ग्राम। तो ये वही गेहूँ का आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाकर खाते हैं। और इस गेहूं के आटे को थोड़े थोड़े करके रबड़ी में डालेंगे और मिलाते जाएंगे। एक ही बार अगर गेहूं का आटा डाल देते हैं तो गांठें बनने लग जाती है, तो इसीलिए एक ही बार गेहूं का आटा नहीं डालना है। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डालना है और रबड़ी में मिलाते जाना है, तो गांठ नहीं बनेंगी। तो मैं यहाँ पर सारा ही रबड़ी ले लेती हूँ और इसे भी मैं मिलाऊंगी। एक स्मूथ बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है। तो मैं अगर इसे कप में नापूंगी तो आधा कप पानी है, तो इसे भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। आप पानी के बदले यहाँ पर दूध भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने आधा कप पानी यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर आप सूजी डालेंगे तो 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पर बारीक सूजी डाल रही हूँ। तो बस इतना ही सूजी डालना है, सूजी का मात्रा ज़्यादा नहीं करेंगे। तो बस इतना सा मात्रा जब सूजी का डालते हैं तो ये पुआ बनकर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास मोटे दाने का सूजी है तो आप उसे पीस कर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो मैंने इतना सा आटा नहीं डाला है 200 ग्राम आटे में, अगर आप चाहें तो उसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर 1/2 चम्मच डाला था, तो मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाई, तो ज़रूर डालिएगा। तो इलायची पाउडर यहाँ डालने से मालपुए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैं इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा मालपुआ बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है चाशनी के लिए और मैं यहाँ पर 200 ग्राम चीनी ली हूँ। और जिस कटोरी से मैंने चीनी नापा था तो उसी कटोरी से मैं पानी भी, जितना चीनी उतना पानी यहाँ पर ले लेना है। और इसे मीडियम फ्लेम पर मैं रखी हूँ और इस प्रकार से चला रही हूँ। तो इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और यहाँ पर 1/2 चम्मच मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसको डालने से चाशनी में काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और मालपुआ काफ़ी अच्छा टेस्टी बनेगा। और यहाँ पर केसर के कुछ धागे मैं ले रही हूँ, तो इसको भी डाल दूँगी। इसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है और एक कलर भी चाशनी में आ जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से देखिए केसर अपना कलर छोड़ रहा है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट पका लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 तार यहाँ पर नहीं बनाना है, ना तो 1 तार ना 2 तार, यहाँ पर बस चाशनी को चिपचिपा होना चाहिए। तो
यहाँ पर चाशनी चिपचिपा हो चुका है तो मैं फ्लेम को कर रही हूँ बंद और इसे ढक कर रख देंगे। और यहाँ पर आप बैटर को चेक करेंगे कि कैसा है, तो एक घंटा अब हो चुका है। तो एक घंटे के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो ये मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, देखिए। तो एक धार बनना चाहिए, जब इसको हम कलछी की सहायता से उठाएंगे तो एक धार बनना चाहिए। तो उतना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने 4 चम्मच पानी डाला। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं उठा रही हूँ तो एक धार बन रहा है, बीच में टूट नहीं रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से इसका घोल तैयार कर लेना है। उसके बाद मैं चूल्हे को जला लेती हूँ और इसमें इस तरीके की एक कढ़ाही या पैन को चढ़ा लेंगे और उसमें मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं घी से मालपुए को बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड से बना सकते हैं, पर घी से बना हुआ मालपुए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पर यहाँ पर रिफाइंड से भी अच्छा लगता है, तो आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप मालपुए को बनाएं, एक बार कलछी की सहायता से चला ले, तभी जब जब डाले कढ़ाई के अंदर एक बार चला लेना है, उसके बाद ही ये कढ़ाई में डालना है। और तेल का मात्रा देखिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, तो इस तरह बहुत तेल का मात्रा कम ही डालना है। अगर गहराई में नापे तो ये 1 इंच मैंने तेल डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और चाशनी को साथ में मैंने गर्म कर लिया है, तेल यहाँ अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लो फ्लेम करके यहाँ पर मैं घोल को डाल रही हूँ पुआ बनाने के लिए, और मैंने एक ही स्थान पर गिराया है यहाँ पर घोल को, और अपने आप ये फैल चुका है और अपना शेप ले चुका है पुए का। तो इसी तरह से डालना है एक ही स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए, और जब तक नीचे से पक ना जाए और ऊपर तेल में ना आ जाए तब तक इसे नहीं पलटना है। तो देखिए तेल के ऊपर आ चुका है, तो मैंने इसे पलट दिया है और कितना जालीदार पुआ बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से पुआ को फूलना चाहिए और इसी तरीके से जालीदार बनना चाहिए, क्योंकि जालीदार पुआ बनेंगे तो ही ये चाशनी को पिएंगे और एक जूसी और बहुत ही अच्छा यहाँ पर पुआ बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे सेक लिया है और इस तरीके से उठाएंगे और इसे निकालेंगे और हल्के दाबते हुए निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए, और गर्मा गर्म यहाँ पर चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस गुनगुना चाशनी होना चाहिए, और इसे इस तरीके से दाबते हुए चाशनी में डुबाएंगे। यहाँ पर पुए को बस 2 मिनट के लिए इसमें रखेंगे चाशनी के अंदर, और इसी प्रकार और भी पुए बना लेंगे। देखिए मैं एक ही स्थान पर गिरा रही हूँ। तो इस तरीके का अगर कढ़ाई हम लेते हैं तो एक साथ 3 से 4 मालपुए बन जाएंगे। और देखिए मैं लो फ्लेम पर डाल रही हूँ और डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम कर दूँगी। तो मैं बीच बीच में लो और कहीं कहीं पे मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखा है, तो मैं दो फ्लेम पर ही मैं इसे पकाई हूँ, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ज़रूरत हिसाब से आप यहाँ पर लो और मीडियम कर सकते हैं। और जब ये ऊपर आ जाए तेल के ऊपर, तो इस तरीके से पलट लेना है और यहाँ पर गोल्डन कलर जब आ जाए इस तरीके से, तब इसे दाबते हुए निकाल कर चाशनी में डाल लेना है और इसी तरीके से बनाना है। तो जिस तरीके से मैंने घोल तैयार किए थे और 1 घंटे के लिए छोड़े थे, अगर आप भी इसी तरीके से बनाइएगा तो आपका भी मालपुआ इसी तरीके से बनेगा और ज़्यादा फूला फूला नहीं बनेगा, इसी तरीके से जालीदार बनेगा। तो जिस पुए को मैंने चाशनी में पहले डाले थे उसे मैंने निकाल लिया है, देखिए चाशनी को ये अच्छी तरीके से पी चुका है। और ये पुआ मैंने बाद में डाले थे तो मैं इसे 1 मिनट के लिए फिर से छोड़ दूँगी और 1 मिनट में ये पुआ चाशनी को पी लेंगे। तो इसी तरीके से आप बाद बाकी पुए को भी बना लीजिएगा। इसी तरीके से देखिए कितना सुंदर सा कलर आ चुका है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
इस मालपुए को आप कोई भी त्यौहार में बनाकर खा सकते हैं और अपने परिवार को खिला सकते हैं। ये बिल्कुल दुकान के जैसे मालपुए बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से आपको बहुत क्रिस्पी लगेंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम रहते हैं। मुंह में घुल जाने वाले ये मालपुए बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही जूसी बनते हैं। मैं आगे इसे तोड़कर भी दिखाने वाली हूँ। तो इसके ऊपर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पर पिस्ता डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर काजू या तो आमंड भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिस्ता और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाशनी डाल दूँगी, पर ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ये पहले से ये चाशनी को पी लिए हैं। तो बस थोड़ा सा ही मैं चाशनी यहाँ पर डाल रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से पुए ने यहाँ पर चाशनी को पी लिए हैं। तो देखिए ऊपर से ये क्रिस्पी है, इसका किनारा बिल्कुल क्रिस्पी बन जाता है, बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। ये आटा का मालपुआ जैसा बिल्कुल नहीं लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इस मालपुए को कोई भी त्यौहार में बनाकर आप अपना त्यौहार मना सकते हैं और पूरे परिवार के साथ खाकर खुशियां मना सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।